अगर आपको ये शानदार रेसिपी कॉर्न की जो सीजनल है वो 5 मिनट में बनानी है तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। तो देखिए ये स्वीट कॉर्न हमने यहाँ पे लिए हैं। अच्छा ये स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं, ये जो देशी भुट्टा आता है वो भी ले सकते हैं, उसको इसके दाने निकाल कर रिमूव करके, और मैंने इसको चंक कर लिया, फोर्सली ग्राइंड कर लिया। ये इसको मम्मी करके और इसको हमें पीसना है। हाँ चंक करना, चंक करना है, दरदरा रखना है। ये देखिए थोड़े से हाँ कॉर्न के भी दाने आए इसमें, ऐसा रखना है अपने को। ये वाला ये मैंने लिए स्वीट कॉर्न के। ओके अब इसमें मैं ये एक अनियन चॉप किया है मैंने बारीक, वो डाल रही हूँ। कोई भी वेजिटेबल डाल लीजिए आप, जो खाना चाहते हैं ना वो डालिए आप इसमें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अनियन डालेंगे तो ही बनेगा ये बिना। ये मैंने एक कैप्सिकम लिया हाफ, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है वो डाल रही हूँ मैं। ओके और इसमें हमने ये राइस फ्लावर, चावल का आटा है फॉर बाइंडिंग, अच्छा वो मैं डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें मैं, इसे क्रंच भी आएगा और इसकी बाइंडिंग भी होगी। अगर चावल का आटा नहीं हो मम्मी तो आप सूजी डाल लीजिए, कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, ब्रेड क्रम्स डाल लीजिए, कोई भी डाल लीजिए। अच्छा। और इसमें 2 टेबल स्पून मैं बेसन डाल रही हूँ। तो देखिए आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। आए माय लवली मॉम विजय आलिया जी के संग आपको दिखाने के लिए ये जबरदस्त रेसिपी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉर्न से बन रही है, सबसे बड़ी बात है यहाँ। मैं ये धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, नमक डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक। रेड चिली पाउडर ये भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ये जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं, ये गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला, ये चाट मसाला डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितने घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के संग मॉनसून स्पेशल रेसिपी। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिए, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। अब मैं इसको थोड़ा हाथ से मिक्स करूंगी। ये मिक्स कर लिया है। अब इसके हम गोल या चकोर या ट्रायंगल जैसे भी आप शेप देना चाहते हैं उसमें आप ये इसकी टिक्की बना लीजिए। देखिए कौन बड़ा कौन टिक्की, जो आप बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया रेसिपी है, सीजनल रेसिपी है। और इसको आप शैलो फ्राई या तल के कुछ भी बना सकते हैं। शैलो फ्राई भी होगी ये, और इसको आप शैलो फ्राई या तल के कुछ भी बना सकते हैं। शैलो फ्राई भी होगी ये। देखिए अब ये इधर हमने तेल हमारा चढ़ा दिया है, इसको मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी। अब इसको हम सिकने देंगे एक तरफ से। कौन सी फ्लेम पे मम्मी? ये मीडियम फ्लेम पर है। मीडियम फ्लेम पे। कच्चे को नहीं पलटना आप, थोड़ा सिकने के बाद फिर इसको पलटेंगे हम। देखिए मम्मी ये वाली रेसिपी तो बहुत अच्छी है, कॉर्न तो अभी सीजन में है ना। हाँ सीजन में, वो स्वीट कॉर्न तो आजकल 12 महीने आता है, पूरे सीजन में आता है। आप दोनों का ही बना सकते हो, जो आप चाहे तो फ्रेश भुट्टे का बनाए, फ्रेश कॉर्न का बनाए। ये देखिए अपने ये बन गए हैं। आप इसको और कुरकुरे कर लीजिएगा। हाँ। स्लो फ्लेम पे करके जैसा आपके खाने का टेस्ट है। तो देखिए अब बन चुका है हमारा यहाँ पर कॉर्न बड़ा या कटलेट्स, शानदार कटलेट्स है। शैलो फ्राई करिए, फ्राई करिए, साथ में मिर्ची भी फ्राई करी हुई है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और जायका का तड़का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मम्मी ने इतने प्यार से बनाया है ना, मजा आ रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है। तो हिट करिए लाइक का बटन और बताइए हमें कॉमेंट्स में कैसा लगा। मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।